चलते हैं निशा पी घर, हमारा टूर भी हो जाएगा, घूमना फिरना हो जाएगा और शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी हमें। पंजाब जाने का प्रोग्राम बन रहा है। हाँ अभी वैसे गए बेटा, ज्यादा टाइम कोई हुआ, 4-5 4 महीने तो हुए मेरे पास। नहीं निशा आप ही भी बोल रही थी आ जाओ, आपने मना कर दिया था, लेकिन मेरा दिल कर रहा है वहाँ चलते हैं घूमने। सही है, जाना चाहिए, काफी टाइम तो हो गया, 3-4 महीने में बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। मैं तो सोच रहा था मरी का प्रोग्राम बनाने का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, कैसे हैं आप सब। टाइम अभी 11 बजे का हो चुका है और अभी मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करने हैं, क्योंकि आप सबको पता है शादी आ रही है, तो बस 2-3 दिन रह गए हैं शादी में, तो उसकी भी तैयारियां जा रही हैं। वैसे तो सब तैयारियां हो चुकी हैं, भाई ने जो है ना आज कपड़े लेने के लिए जाना है, आज जाएंगे या फिर कल जाएंगे, वो भी भाई से मैं पूछती हूँ कि कब जाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो एंड टाइम पे जो है ना हमें कपड़े ना मिले और भाई जो है ना जाने से रह जाए। वैसे तो पैंट शर्ट है, लेकिन जो है ना मैंने भाई को बोला था कमीज शलवार पहनना, कमीज शलवार आपके ज़्यादा सूट करती है, तो वो भी मैं भाई से पूछूंगी। और ना अभी शादी के कुछ दिन बाद हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि घूमने के लिए जाएंगे, आप ही के घर भी जाएंगे, वहाँ से लाहौर का भी या फिर आगे किसी सिटी का प्रोग्राम बनाएंगे दूर घूमने जाने का, क्योंकि मैं जो है ना काफ़ी टाइम से पापा को इस बात के लिए फोर्स कर रही हूँ कि हम कहीं घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं, आप ही के घर जाते रहते हैं, इस बार आप ही के घर भी जाएंगे, उसके बाद जो है ना आगे भी कहीं जाएंगे किसी सिटी में घूमने फिरने, घूम के भी आ जाएंगे और जो है ना हमारा टूर भी हो जाएगा फर्स्ट टाइम। वैसे सिर्फ आप ही के घर तक गए, उसके बाद हम जो है ना आगे नहीं गए। खैर इस बार इंशाल्लाह जाएंगे, वो भी आज मैं पापा को दोबारा से बोलूँगी, शायद आप सबके सामने मान जाएँ। और खैर अभी मैं भाई से बोलती हूँ कि आप अपने कपड़े लेने के लिए जाएं या फिर कल जाएंगे। देखें भाई को भी मैंने बुला लिया और भाई से अब मैं पूछती हूँ कि वो कब जाएंगे कपड़े लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कब जा रहे हैं आप कपड़े लेने, क्योंकि शादी भी आ रही है और शादी के बाद हमने सोचा है कि कहीं घूमने जाएंगे, कब जाएंगे भाई। सूट का तो उन लोगों ने मेरे को पीर तक का ही बोला हुआ था, फिर आज जाऊंगा, देखता हूँ सिला है या नहीं सिला, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि फ़ोन करूंगा सिल जाएंगे तो, लेकिन फ़ोन नहीं आया अभी तक, अब देखते हैं कि सिला है या नहीं सिला। नहीं आप जाइएगा देखिएगा, क्योंकि 2 दिन रह गए बस शादी। जाऊंगा नहीं सिला तो फिर उससे सिलवा के ही आऊंगा, क्योंकि वो मेरा हाँ। दोस्त है, मेरा अपना ही दोस्त है पुराना। हाँ। जब भी सिलवाता हूँ उसी से ही सिलवाता हूँ, तो वो खैर सी के दे ही देगा। और आज पापा को भी मनाना है कि कहीं जाना है घूमने, हमने आप ये घर तो जाना है हमने, लेकिन जो है ना उसके बाद भी आगे कहीं जाना है। वो तो ये पहले शादी हो जाए ना, फिर उसके बाद जाएंगे, देखते हैं। लेकिन मनाना तो अभी से ही पड़ेगा ना हमें। मान जाएंगे तो अच्छी बात है, चले जाएंगे पंजाब भी और उससे आगे कहीं और, अगर पापा माने तो, चले तो फिर है। नहीं हाँ। चले ठीक है, आप जाए अब, अभी चले जाए क्योंकि फिर शाम हो जाएगी। जा ही रहा हूँ मैं, बस मुँह हाथ धो के अभी तैयार हुआ था, जा ही रहा था मैं। हाँ मैं भी अपने काम करती हूँ जल्दी से। तो अभी मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और अब मैंने जाना है चच्ची के घर पे, क्योंकि चच्ची ने मुझे बुलाया था, वहाँ है कुरान खानी, तो वहाँ पे भी मुझे जाना है। खैर पापा आराम कर रहे हैं, पापा को आराम करने देती हूँ और भाई जो है ना मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे और वहाँ से फिर कपड़े रिसीव करने चले जाएंगे, अपने यानी के कपड़े लेने के लिए चले जाएंगे। चलें फिर भाई, चलते हैं। हाँ चलते हैं, मैं तो तैयार हूँ। सही है, बाइक निकाले, मैं आती हूँ कपड़े लेने चले जाऊंगा। सही है। तो अभी अभी मैं आई हूँ चच्ची के घर से, भाई की मेरे पास कॉल आ गई थी कि मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए, तो मैंने बोला हाँ बस 10 मिनट में आ जाएं, तो अभी बस 5 मिनट हुए हैं मुझे घर पहुँचे हुए और भाई जो है मुझे वहीं पे लेने के लिए आ गए थे। शायद भाई ने जो है ना कपड़े भी ले लिए हों, वो भी मैं भाई से पूछती हूँ कि कपड़े लेते हुए आए हैं आप या नहीं आए। हाँ जी भाई, कपड़े मिल गए आपको? कपड़े तो तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे लाए हुए। अच्छा, यानी कि जल्दी ले आए थे और मुझे बाद में लेने के लिए आए। हाँ पहले मैं कपड़े लाया था, फिर उसके बाद मैं काफी देर सो भी गया था। अच्छा, फिर आया था आपको लेने। चले ठीक है, तो अच्छा बाद हुआ। मैं दिखाऊंगा, पहले पापा के साथ थोड़ा काम वाम है किचन में, वो काम करवा लो। हाँ। उसके बाद तीनों मिलके कपड़े देखेंगे, मैंने खुद ने भी नहीं खोले अभी तक। तो पापा कर रहे हैं किचन में काम, मैं भी जाती हूँ पापा के साथ मदद कराती हूँ और जल्दी जल्दी काम खत्म करवाती हूँ। पापा क्या पका रहे हो आज? मुझे तो नहीं पता, मैं तो चले गई थी चच्ची के घर। मैं जो ना दाल चावल का इरादा था मेरा। अच्छा, तो दाल मैंने चढ़ा दी है, बस दाल भी पकने वाली है, 15-20 मिनट में पक जाएगी। तो मैं क्या करूं अभी? आप जो है ना चावल बीनने हैं तुम्हारे को। अच्छा, चावल साफ कर निकाल दिए। चलिए ठीक है, चावल बीनने। वो प्याला दे उधर से उठा के। प्याला प्याला तो हाँ, इतनी देर कैसे लगा दी वहाँ पर? कुरान खानी थी ना और गली में हो रही थी वो, इस वजह से। कुरान खानी थी। अच्छा हाँ।
क्या खाया वहां पर भाई? वहां पे मैंने हलीम खाया, रोटी खाई, हलीम रोटी। हलीम, हाँ हलीम पकाया था? हाँ देग पकी थी ना पूरी। हलीम की देख? हाँ अच्छा, इनके वहाँ जैसे बहुत से चावल वगैरह बनाते हैं, हलीम पकाया था। हाँ सही है। और वैसे शादी भी आने वाली है परसों, एम आइयो। हाँ बस अब तैयारी तो हो गई हमारी सारी। तो हमारी हो गई है, भाई का पता नहीं, भाई कपड़े लाया नहीं लाया। नहीं भाई भी ले आया कपड़े, अभी मैंने पूछा था ना, बोल रहे हैं ले आए, लेकर आ गया। हाँ चलो अच्छा है ना, शॉपिंग हो गई। जुमेरात से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे ना? हाँ जुमेरात से स्टार्ट हो जाएंगे, आज पीर। जुमेरात को प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, पहला प्रोग्राम है, फिर उसके बाद जुम्मा, हफ्ता, इतवार, तीन प्रोग्राम है। हाँ और फिर मैं सोच रही हूँ, हमने शॉपिंग तो कर ही ली है शादी की, और फिर हम चलते हैं निशा आपी घर, हमारा टूर भी हो जाएगा, घूमना फिरना हो जाएगा और शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी हमें। पंजाब जाने का प्रोग्राम बन रहा है? हाँ अभी वैसे गए हुए ज्यादा टाइम कोई हुआ, 4-5 4 महीने तो हुए मेरे साथ। नहीं निशा आपी भी बोल रही थी आ जाओ, आपने मना कर दिया था, लेकिन मेरा दिल कर रहा है वहाँ चलते हैं घूमने। सही है, जाना चाहिए, काफी टाइम तो हो गया, 3-4 महीने में बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो सोच रहा था मरी का प्रोग्राम बनाने का। नहीं मरी नहीं, आपकी फिर मरी में तबीयत खराब हो जाती है, दिल तो हमारा भी है। वहाँ पे जो है ना ठंड बहुत ज्यादा है। ये शादी खत्म होती है पहले वहाँ चलते हैं पंजाब, उसके बाद फिर देखेंगे आगे का सोचेंगे कि कहाँ जाना। चले पंजाब चलेंगे शादी के बाद ना। शादी के बाद जो है फिर एक मसला हो रहा है कि पहले हमें ये घर चेंज करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि घर लाजमी चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ना घर की सेटिंग में वो समझ में नहीं आ रही। दरवाजे घर घर खाली छोड़ के नहीं जा सकते हम। चले फिर पहले घर चेंज करेंगे, उसके बाद फिर टूर बनाएंगे आप लिए। 15 दिन के अंदर अंदर प्रोग्राम बनाते हैं चलने। सही है ठीक है। और कपड़े आ गए सारे तुम्हारे? कपड़े हाँ सारे लिया। अच्छा तो दिखाए तो नहीं अभी मैंने, मेरे को अभी बाद में दिखा दूंगा, अभी तो काम कर रहा हूँ। चलो अभी थोड़ी देर में देखते हैं, वरना फिर बाद में ना लाइट चली जाएगी, बस दाल तो पकने वाली। देखो गैस बिल्कुल इतनी सी गैस रह गई है, मेरे को मशीन चलानी पड़ेगी। यही होता है, अब मशीन चलानी पड़ती है बार बार। ये मशीन चला जाने वाली, मशीन चलाते हैं तो गैस तेज होती है वरना तो। चले फिर कपड़े देखते हैं, लाइट चले जाएगी नहीं तो चलो फिर और कामों में लग जाएंगे। तो मैं कपड़े भी ले आई, भाई के भाई ने मुझे दिखाए, दिखाए तो नहीं खैर, बस ऊपर से ही देखे हैं मैंने, अभी जो है ना खोल के दिखाई है अभी तक। और ये हैं हमारे हमारी चप्पलें जो कि हम परसों रात को लेकर आए थे, ये भी लानी लाजमी थी क्योंकि अभी तक हमने ली नहीं थी, तो इसको अभी साइड में करते हैं। पहले हम सूट दिखाएंगे मेन चीज, फिर चप्पल दिखाएंगे। भाई मुझे तो सही लगे हैं, और का पता नहीं, पापा को पता नहीं कि पापा को सही लगे या नहीं लगे। मुझे नहीं पसंद आया, बेकार लग रहा है। सही है अच्छा है, ये पहनने लायक है? कॉटन का सूट बेकार, पहले वाले से भी अच्छा है। ये अच्छा लग रहा है, सही है, डिजाइन अच्छा लग रहा है। हाँ। वो दर्जी ने गंदा कर दिया सूट सीते वक्त, वो हाथ उनके घुटके के थोड़ा तेल वेल लग जाता है, मावा खा रहे होते हैं। ये नहीं कि दूसरे बंदे का सूट देख के थोड़ा ख्याल कर ले, नहीं खाते, लेकिन इन लोगों को भी खाना होता है। और दूसरा ये रहा, हाँ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है और डिजाइन भी ज्यादा अच्छा बना हुआ है। वो बेकार है, वो नहीं पहनना, फाड़ के फेंक दो। ठीक है ये वाला पहनना, दोनों एक पहनूंगा तो दोनों ही में मेरे ही हैं, दोनों मेरे ही नाप। हाँ पहनने तो आप नहीं है। और इसके साथ आपने इस बार शलवारें बनवाई? हाँ बड़ी बात है, शलवारें बनवा ली भाई ने। पजामा बनवाता है, मैंने सोचा इस बार शलवार बनवा लेता हूँ, हर दफा पजामा बनवाता हूँ। हाँ नहीं दोनों सूट प्यारे हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा प्यारा है, ये पहनना आप वली में। तो दोनों ही है। हाँ और पता है इसके साथ कौन सी चप्पल पहनना? ये वाली लड़कियों वाली चप्पल। तो ये हैं मेरे खूसे जो के मैं लेकर आई हूँ, भाई ने भी शूज लिए हैं और मैंने खूसे लिए हैं, दोनों ने यूं समझे एक जैसे ही लिए हैं इस बार, ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया। मैंने सोचा था सैंडल लूंगी,
लेकिन जो है ना ये भी ठीक है, दोनों सूट के साथ जा रहे हैं, मैचिंग हो रहे हैं, ठीक है ना। ये तो दोनों तीनों सूट पे चल जाएगी, गोल्डन है ना, और हाँ सूट में भी गोल्डन डिजाइन हाँ है मल्टी तुम्हारे। भी आ रहा है ना इसमें। चलें अब आप अपने दिखाएं शूज, आप अपने हाँ शूज दिखाएं, खोलें। डब्बा ही फटा हुआ। हाँ फटी हुई चीज तो देते हैं वो लोग, लोकल माल, शक्ल ये ही देखो नहीं है उनकी, अच्छी चीज देने वाले। ये देखें, ये मुझे परफेक्ट चीज लगी है, जो कि मुझे भी आ रही है, दिल कर रहा है मैं ये मेरे पहन पहले वाले से भी अच्छे हैं, जो पहले तो घर में घूम हो गए। हाँ हाँ वो मेरी भी चप्पल घूम हुई उसके साथ, आपके भी नहीं, ये वाले बहुत अच्छे लगे हैं मुझे इस बार, अब ये है ना, ये पेंट शर्ट पे भी चलेंगे और इन कमीज पे भी सलवार चलेंगे। पे भी, हाँ इन पे तीनों पे बहुत प्यारे चलेंगे। लगेंगे। चलें ठीक है, आपकी भी शॉपिंग कंप्लीट, मेरी भी कंप्लीट हो गई। हाँ शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई, अब हाँ अब जाना घूमने भी चाहिए जाएंगे शादी ना के तो बाद। सुकून से जाएंगे। चलें ठीक है, हमारी शॉपिंग तो बस यही थी। ये जो है हम जो चप्पलें लेके आए, ये परसों रात को लेकर आए थे, क्योंकि शादी करीब आ रही थी तो हमें चप्पलें लाना भी लाजमी थी, हमारे पास थी नहीं, और ये सूट हाँ आज आ गए। चलें परसों अब माइयो है, माइयो में पहन लेना कोई सूट इनमें से। पहनूंगा, कोई भी पहन लूंगा, सारे ही अच्छे हैं, पैंट शर्ट भी अच्छी है, ये भी अच्छे हैं डिजाइन वाले। हाँ चलें ठीक है, तो हमने आप सबको कपड़े भी दिखा दिए, और कपड़े जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा डिजाइन हुए हुए, और अच्छी जो है ना महंगे पैसों में सिलवाए भाई ने, इस वजह से भी अच्छे हैं, नहीं तो बेकार कहने का तो मूड ही नहीं है भाई का, कि मैंने इतने महंगे पैसों में सिलवाए और इसको ये बेकार बोल रही है मेरे कपड़ों को। ये वैसे ही बुराई करती रहती है, मेरा हर एक सूट अच्छा होता है जो भी मैं सिलवा के लाता हूँ, सबसे पहले ये तारीफ करती है, लेकिन जैसे ये वीडियो में बुराई करती है। आप बुराई करते हो वैसे ही मैं करती हूँ भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और जो है ना इंशाल्लाह शादी के बाद हमारा जो है घूमने का भी प्रोग्राम बनेगा, पापा भी मान गए, पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, डायरेक्ट पापा ने तो मरी का बोल दिया है, मेरी तो खुशी देखने लायक थी मरी वरी नहीं जाएंगे, कोई पता नहीं है, पंजाब तो जाएंगे, उसके हाँ। अलावा का असल में पता ना नहीं के पापा की कहाँ तबीयत जाएंगे। खराब हो जाती है ज्यादा ठंड में, ज्यादा ज्यादा लाहौर तक चले जाएंगे, मरी तो नहीं जाएंगे, मरी तो बहुत दूर है, और जो है ना वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो इस वजह हाँ से पापा को बर्दाश्त नहीं है ठंड, पापा जो है ना नशा पी के वहीं पे पापा की तबीयत खराब हो जाती है, वहां की ठंड नहीं बर्दाश्त, इसलिए ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। और इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।